गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रश्मि गुप्ता योर केमिस्ट्री गाइड। हमारी अब तक ऊष्मागतिकी में दो क्लासेस हो चुके हैं, आज तीसरी क्लास है सी फिजिक्स। आज हम ऊष्मागतिकी साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी साम्यावस्था क्या होती है, इसके कितने प्रकार है। सबसे पहले देखिए, जो ऊष्मागतिकी साम्यावस्था है वो तब आएगी किसी भी तंत्र में जब उस तंत्र की स्थूल गुणों में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पर जो स्थूल गुण है वो है ताप, दाब, संगठन आदि, ठीक है। तो यानी ऊष्मागतिकी साम्यावस्था तंत्र की जब आती है जब जो तंत्र है उसके स्थूल गुणों में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। तो हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिकी साम्यावस्था तंत्र ऊष्मागतिकी साम्यावस्था होगा जब तंत्र के जो स्थूल गुण है उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तंत्र ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में होगा जब तंत्र के स्थूल गुणों में संगठन में
वैसा का वैसा बना रहता है। ठीक है, तो एक एक करके इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। किस तरह से इसकी परिभाषा है, सबसे पहला है हमारा तापीय साम्य अवस्था। यानी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, तो तंत्र क्या होगा? तापीय साम्य अवस्था में होगा। ये हो गया हमारा
नहीं होता तो तंत्र यांत्रिक साम्यावस्था में होगा। यांत्रिक कार्य नहीं हो रहा, कब नहीं हो रहा? जब दाब स्थिर होगा तभी तो यांत्रिक कार्य नहीं हो सक नहीं होगा। यहाँ पर अगर दाब जो है वह हर पार्ट का अलग अलग है तो उस दाब को समान रखने के लिए, बराबर बनाने के लिए यांत्रिक कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह तभी संभव है जब दाब स्थिर हो। यानी दाब में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो ठीक है। वहां पर दाब जो था वह स्थिर था, यहां पर दाब स्थिर है ठीक है। इसे नोट डाउन करेंगे, हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक साम्य अवस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम परिवर्तन नहीं आता है अर्थात तंत्र के प्रत्येक भाग में संगठन समान होता है ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक साम्य अवस्था, जब प्रत्येक जो भाग है उसमें संगठन समान रहे, सभी भाग में संगठन समान रहे तो ये हो जाएगा रासायनिक साम्य अवस्था। ये हमारा तीसरा साम्य अवस्था हो गया ठीक है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा।
प्रक्रम।
है वह किसी भी दिशा में संपन्न हो सकता है। इसके अलावा ये जो प्रक्रम है मंद गति से संपन्न हुआ, लेकिन ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है पदों में संपन्न होता है, ये भी इसका एक अगला पॉइंट है। ये है छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होता है। समझेंगे कि क्या होता है अनुक्रमीय।